स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रितिका कश्यप आज आपको कक्षा 5 के चैप्टर 1 के मौखिक प्रश्न उत्तर को बताऊंगी। हिंदी के चैप्टर 1 के यानी पार्ट 1 के मौखिक प्रश्न उत्तर को बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया है आपको कक्षा 5 पाठ का नाम 1 और हिंदी मौखिक प्रश्न उत्तर है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सूरज प्रतिदिन क्या लेकर आता है? सूरज प्रतिदिन क्या लेकर आता है? इसका उत्तर है यहाँ पे, सूरज प्रतिदिन नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है। सूरज प्रतिदिन नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चिड़िया अपना आनंद कैसे प्रकट करती है? चिड़िया अपना आनंद कैसे प्रकट करती है? इसका उत्तर है ख नंबर का, चिड़िया अपना आनंद चींची की मधुर गीत सुनाकर करती है। चींची की मधुर गीत सुनाकर चिड़िया अपना आनंद चींची की मधुर गीत सुनाकर करती है, प्रकट करती है, प्रकट करती है। हमारा ग नंबर क्वेश्चन है, कविता में किसे बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है? कविता में किसे बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है? इसका उत्तर है, कविता में सूरज को बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है। किसे बताया गया है? सूरज को। अब हमारा घ नंबर प्रश्न है, इस कविता के रचनाकार कौन है? इस कविता के रचनाकार यानी कवि का नाम, इस कविता के रचनाकार डॉक्टर विनोद प्रसून है। कौन है? डॉक्टर विनोद प्रसून। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको मौखिक प्रश्न उत्तर बताया, अब हम आते हैं लेखनी से, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। कविता की पंक्ति पहला है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में धरती का कनकन मुस्कुराता है। मैंने यहाँ लिखा लेकर सूरज आता है और धरती का कनकन मुस्कुराता है। तीसरी पंक्ति है, चींची का मधुर गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है। क्या होती है? हर्षित होती है। चौथी पंक्ति है, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती है। क्या बोती है? सौंधी खुशबू बोती है। पांचवी पंक्ति है, आलस्य तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। अब हमारा ख नंबर है, ऐसा प्यारा समय न खोना सुबह सवेरे उठ जाना। ख का दूसरी पंक्ति है, सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना, यानी बातें करना, घूम घूम कर बातें करना। अब इसका लास्ट वाला लाइन है, ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है। क्या पाता है? सेहत अच्छी पाता है। तो मैंने अभी आपको मौखिक प्रश्न उत्तर समझाया और यहाँ पे दूसरी कविता की पंक्ति, आप दोनों बच्चों इसे याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में या एक वाक्यों में दीजिए ये बताऊंगी। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में दीजिए ये पढ़ाऊंगी। तो ये पहले वाला आप मौखिक क्वेश्चन आंसर और कविता की पंक्ति इसे याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगी उसे आगे मैं पढ़ाऊंगी। तो आगे के लिए बी सेफ,